हाँ, तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम साइएंट डीएलएम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1993 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 30 साल की कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी ईएमएस सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। देखिए, हमें यहाँ पे दो बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। पहले बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो बिल्ड टू प्रिंट हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसे हम B2P भी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरे मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो जिसको B2S यहां पे बोला जाता है और उसका नाम है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन। तो अगर हम B2B मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इस मॉडल के अंदर यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन होती है वो यहाँ पे डिज़ाइन देने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है, यानी कि जो इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ये कंपनी डिज़ाइन बनाने का काम करती है। अगर हम बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इनके जो कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का ये कंपनी उसके अंदर हमें काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं जिन्हें हम PCB के नाम से भी जानते हैं तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। फिर इसके अलावा जो केबल हार्नेसेस होते हैं और जो बॉक्स बिल्ड्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कंपनी के कस्टमर्स हैं, तो देखिए, हनीवेल ऑटोमेशन हमें यहाँ पे कंपनी का कस्टमर नजर आता है, ठेल ग्लोबल सर्विसेज हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर नजर आते हैं, ABB इनकम हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें से हनीवेल ऑटोमेशन है यानी कि जो इंटरनेशनल है वो हमें यहाँ पे कंपनी लिस्टेड नजर आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंपनी भी हमें यहाँ पे लिस्टेड नजर आती है। तो देखिए, जब ये कंपनी लिस्टेड होती है अगर इन कंपनीज के नंबर यानी कि जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं जब इनके नंबर्स काफी अच्छे आते हैं, जब इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है, डेफिनेटली ये का भी बिजनेस उसमें उस समय काफी अच्छा चल रहा होता है। ये आपको हमेशा यहाँ पे माइंड में रखना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर हम ये कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से अभी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का यहाँ पे यूसेज हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से हम यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये उसके अंदर डेफिनेटली ये बिजनेस काफी ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर ये दोनों सेक्टर अगर आने वाले टाइम पे अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, यानी कि ऑटोमेशन सेक्टर और उसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर है, अगर ये दोनों सेक्टर आने वाले टाइम पे अगर अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे वहां पे डेफिनेटली कंपनी के लिए ये फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 592 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, और ये जो पूरा पैसा अगर हम देखेंगे तो ये पूरा पैसा कंपनी का फ्रेश इश्यू है। यहाँ पे कोई भी जो कंपनी के प्रमोटर है यानी कि जो साइन लिमिटेड जो कंपनी के प्रमोटर है हमें यहाँ पे कोई भी स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, लगभग यहाँ पे 291 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर 291 करोड़ एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले लगभग 2 साल तक कंपनी को वर्किंग कि यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल से दिक्कत यहाँ पे कंपनी को नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 40 से 45 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है, यानी कि कुछ कैपेक्स वगैरह कंपनी करेगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 150 करोड़ के लगभग कंपनी अपनी बोरिंग को यहाँ पे कम करने वाली है। तो देखिए, लगभग अराउंड 300 करोड़ के लगभग ही हमें यहाँ पे कंपनी की टोटल बोरिंग नजर आती है, और वहां पर अगर 150 करोड़ से कंपनी की बोरिंग कम हो जाएगी तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो 10 से 11 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी की जो इनकम है वो हमें यहाँ पे यही से बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अराउंड 70 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी कुछ एक्विजिशन करने वाली, यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू यहाँ पे कंपनी कुछ एक्विजिशन करने वाली है, तो उसके अंदर यहाँ पे कंपनी 70 करोड़ रुपीज यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बाकी का जो पैसा है वो कंपनी यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, साइन लिमिटेड हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है तो उसी की हमें यहाँ पे ये सब्सिडियरी कंपनी लिस्टेड यहाँ पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, भले ही एक सब्सिडियरी कंपनी है लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको पूरा ओपन में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 464 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये जो नंबर है ये अराउंड 636 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था, यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड 150 करोड़ से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर थे वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 728 करोड़ के लगभग ये नंबर आया था, यानी कि लगभग 15% के लगभग ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। और अगर हम पिछले साल एंडिंग की अगर हम बात करेंगे अराउंड 838 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर नजर आते हैं, ये भी अगर आप देखोगे 12-13% की हमें अभी भी यहाँ पे कंपनी की
ग्रोथ नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे अराउंड 11 करोड़ के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया था, और 2022 में अगर आप देखोगे लगभग 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन थे वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे, अराउंड 31 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे नजर आते हैं, भली प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन देखिए अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर कंपनी का अच्छा है तो प्रॉफिटेबिलिटी आज नहीं तो कल मेरे ख्याल से यहाँ पे आती हुई हमें नजर आएगी। तो देखिए 314 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी के बोरिंग से 150 करोड़ यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के बाद में कंपनी के कम हो जाएंगे, तो वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 30 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अगर आप आइडिया फोर्ज में अप्लाई करोगे और उसके बाद में अगर आपके पास में कोई पैसा अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो अगर आपको वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको आइडिया फोर्ज में अप्लाई करना है या इसमें अप्लाई करना है। अगर हम इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 265 रुपीज पर शेयर पर कंपनी शेयर दे रही है, 56 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, अराउंड 14,500 रुपए यहाँ पे आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर मैं टोटल इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 592 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल इश्यू साइज नजर आता है, इसमें से अराउंड 10% का रिटेल कोटा है, यानी कि 59.2 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए दोनों का रिटेल कोटा अगर आप देखोगे तो काफी छोटा है, दोनों के रिटेल कोटा की अगर मिला के अगर हम बात करेंगे अराउंड 120 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है, और जिस तरीके से फिनोमिनल अभी डिमांड हमें आईपीओ के अंदर देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है कि आराम से दोनों के जो रिटेल कोटा है वो अराउंड हमें 25 से 30 टाइम हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए कंपनी ने 15 रुपये का डिस्काउंट रखा है, यानी कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह हो तो आपको यहाँ पे 250 रुपये में शेयर मिल जाएंगे। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 6 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा, 4 जुलाई को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 10 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 8 से 9 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी जब ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2022 के पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन दिया हुआ है, लेकिन देखिए 2022 में कंपनी के 39 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे अराउंड 31 करोड़ का ही कंपनी का प्रॉफिट था, और देखिए उसके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है जो कंपनी अभी नए शेयर्स हमें एड ऑन करती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो भी कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर हम नए शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है तो उसके बाद में लगभग अराउंड 2000 से 2100 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसके हिसाब से अगर हम 31 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम मानेंगे तो लगभग 65 से 70 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 30 से 40% के प्रीमियम पे, यानी कि लगभग अभी 100 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर लगभग 40% प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो लिस्टिंग के ऊपर अगर हम इसके पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 95 से 100 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। देखिए ऑल ओवर देखा जाए तो अगर आप देखोगे डेट की हमें यहाँ पे 1.8 का ये कंपनी का नजर आता है, लेकिन 150 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी का डेट है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, और उससे कंपनी की इक्विटी अभी हमें 592 करोड़ से हमें कंपनी की इक्विटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे 1 के नीचे कंपनी का जो डेट इक्विटी हमें जाता हुआ नजर आएगा, तो फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए ऑल ओवर ये कंपनी अच्छी है, मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए, जो कि देखिए 10% का यहाँ पे रिटेल कोटा और 75% का यहाँ पे QIB कोटा है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा आपको माल लिस्टिंग इन देखने को नहीं मिलने वाला, तो नॉर्मली मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग इन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो भले आइडिया फोर्ज हो या साइंट हो, अगर आपके पास में दोनों लॉट में दोनों के अंदर अगर रिटेल एप्लीकेशन लगाने का अगर आपके पास में पैसा है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे लगाना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे बिग HNI हो या स्मॉल HNI हो उसके अंदर लगा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों यहाँ पे अराउंड 50-50 टाइम्स हमें यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आएंगे, और देखिए 50 टाइम्स के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से उसमें अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में 15-15,000 रुपये मेरे ख्याल से देखिए आज के अमाउंट में अगर हम देखेंगे 30,000 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास में लगभग 1.5 लाख रुपये अगर आपके पास में पड़े तो मेरे ख्याल से दोनों के अंदर आपने क्या कहते हैं कि 5-5 एप्लीकेशन अपने घर वालों की लगानी चाहिए, तो वहाँ पे अगर कोई अलॉटमेंट के चांसेज अगर आपको मिलते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपने देखना चाहिए। हाँ, ये तो बात हो गई कि लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। देखिए आइडिया फोर्ज के लिए हमने कल ही बात करी थी कि आइडिया फोर्ज के लिए हम लॉन्ग टर्म इंटरव्यू से इतना मुझे हमें मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अगर हम इस कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मुझे लगता है कि
पे लॉन्ग टर्म माइंडेड से ये कंपनी को हम रख सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तब ऑलरेडी इसका जो वैल्यूएशन होगा वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। इसके बाद में लगभग 5 से 6 महीने या फिर 1 साल का कोई टाइम करेक्शन हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जब इतना ज्यादा पी रेशियो हो जाता है वहाँ पे नॉर्मली इतना ज्यादा कोई ज्यादा अपसाइड हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म माइंडेड से अगर हम बात करेंगे, जब ये कंपनी का डेट एकदम कम हो जाएगा, जो 10-11 करोड़ का जो इंटरेस्ट कॉस्ट ये कंपनी का बचेगा वो सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगा, और कंपनी जो नया कैपेक्स वगैरह करेगी, अभी कंपनी को और नया डेट रेज नहीं करना पड़ेगा, जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम कंपनी का यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, उससे कंपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पे एक अच्छी फिनोमिनल ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकती है। तो वो जो चीजें होने वाली है वो 1 से 1.5 साल बाद हमें यहाँ पे इनलाइन होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए वहाँ पे मुझे लगता है कि एक लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के अंदर हमें पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा, यानी कि 5 से 6 महीने का व्यू रहेगा, तो उसके लिए तो अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो लिस्टिंग भी आपने निकाल देना चाहिए, लेकिन कि आपको लिस्टिंग के दिन बाय करना चाहिए। तो देखिए अगर आपका लंबा नजरिया लगभग 4-5 साल का अगर आपका नजरिया है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको ये कंपनी को लिस्टिंग पे बाय करना चाहिए। लेकिन देखिए मैंने ये भी देखा है कि जब किसी के जो प्रमोटर होते हैं, यानी कि अगर मिस्टर साइन लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे, तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छा रिटर्न बनाया है। अगर हम स्टॉक प्राइस की भी अगर हम बात करेंगे, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे वो स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जब प्रमोटर का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो काफी अच्छा होता है, अगर वो शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छा पैसा बनाते हैं, तो जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसे नॉर्मली मार्केट थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन देने की कोशिश करता है। तो उस पॉइंट से भी देखा जाए तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है इसको थोड़ा मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन भी देता हुआ हमें नजर आ सकता है। लेकिन देखिए इतना ज्यादा कोई आरओसी का रिटर्न रेशियो वगैरह कंपनी के इतने कुछ खास नहीं है। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो इतने कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स है उनकी बार्गेनिंग पावर यहाँ पे काफी ज्यादा हमें अच्छी नजर आती है, तो उस पॉइंट से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि साइन DLM के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।